अब एक और बड़ी खबर आ रही है ताजमहल विवाद पर। सांसद दिया कुमारी का एक बड़ा दावा सामने आया है। दिया कुमारी ने कहा कि हमारे पूर्वजों की थी ये ताजमहल की जमीन। जी हां, दिया कुमारी ने मीडिया में बयान दिया है कि जिस जमीन पर ताजमहल यानी कि तेजो महल पैलेस था वो उनके पूर्वजों की है। शाहजहां ने उस पर कब्जा किया था। कोर्ट राज परिवार को दस्तावेज पेश करने के आदेश दे। राज परिवार के ट्रस्ट के पास है जमीन के रिकॉर्ड। ताजमहल में बंद पड़े कमरों को खुलवाकर जांच की जाए। ये हमारे पुरखों की जमीन थी। हम कोर्ट की शरण लेने पर भी विचार कर रहे हैं। सांसद दिया कुमारी का बड़ा दावा ताजमहल को लेकर सामने आया है। उसका सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और आपके जो वंशज हैं मैम, उन्होंने पूर्वज जी 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 बिल्कुल, वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपके लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। और आज भी ये जो स्थिति है, बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में खोती खाना भी है। अच्छा। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर कोर्ट आदेश देगा तो। डेफिनेटली आपने अभी तक देखा होगा क्या डॉक्यूमेंट में क्या है उनके अंदर, क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की। आपको मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? और मैं ये नहीं कहूँगी, इस पर पूरा जो जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद हैं, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए। उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टेब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई अच्छी का लगाएंगे इसको लेके सेंट्रल देख रहे हैं इसको ठीक है कि सांसद दिया कुमारी ने किस तरीके से अपना दावा पेश किया, अपने परिवार का दावा पेश किया है ताजमहल की जमीन पर। उनका कहना है कि ये जमीन हमारे पूर्वजों की थी। ताजमहल जिस पर बना है वो जमीन उनके पूर्वजों की थी। ताजमहल की जगह तेजो महल पैलेस था, उसका नाम जो पैलेस था तेजो महल था। कोर्ट यदि आदेश करेगा तो राज परिवार जरूरी दस्तावेज भी पेश करेगा जो उनके पास है। जयपुर राज परिवार के ट्रस्ट के पास है जमीन का सारा रिकॉर्ड। दिया ने कहा है कि ताजमहल के जो बंद कमरे हैं उनको भी खुलवाया जाए, बंद कमरों को खोल के जांच की जाए कि उनमें क्या है। कोर्ट की शरण लेने पर भी हम विचार कर रहे हैं। दिया कुमारी का बड़ा बयान सामने आया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ताजमहल विवादों में क्यों है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यूपी हाई कोर्ट में बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने याचिका दायर की। 22 कमरों को खोलकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराने की मांग की है। ताजमहल में हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं, याचिकाकर्ता का कहना है। 2017 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शाहजहां ने जयपुर के महाराजाओं से जबरन जमीन बेचने को कहा। शाहजहां ने उन लोगों को हर्जाने के रूप में 40 गांव भी दिए थे। और कुछ ऐसी ही बात दिया ने भी कही है। ये मुआवजा जमीन की कीमत के मुकाबले बहुत कम था, ये स्वामी ने कहा है। और दिया के बयान में भी यही बात सामने आई है कि जिस जमीन पर ताजमहल था वो इनके राज परिवार की है, दिया के राज परिवार की है, जिससे जुड़े दस्तावेज उनके ट्रस्ट के पास है। और स्वामी ने भी यही बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जयपुर के राजघरानों से जमीन ली गई थी और जो मुआवजा दिया गया था वो काफी कम था।